नोक का न्यू वीडियो आ चुका है, आप देख सकते हैं स्क्रीन में। अभी आपको इनका पूरा ऑडियो भी मैं सुनाता हूं। बट यार महाराष्ट्र सरकार इस वक्त पूरी बौखलाई हुई है। अब उनका ये कहना है कंगना के बाद अब वो अर्नब गोस्वामी से भी डरे हुए हैं। अब उनका कहना है कि महाराष्ट्र सरकार रिपब्लिक चैनल को बैन करेगी क्योंकि अर्नब गोस्वामी उनके बारे में जो बोलते हैं उनको ये चीजें वारा नहीं खाती। इसलिए उनका कहना है कि महाराष्ट्र सरकार अब अर्नब गोस्वामी का रिपब्लिक चैनल को वो बैन करेंगी यार। और महाराष्ट्र सरकार इस वक्त यार क्या क्या कर रही है यार, अभी आपको पूरा ऑडियो में सुनाता हूँ कि कंगना रनौत ने इस बारे में क्या बोला है। आप देखिए ये वीडियो। महाराष्ट्र में सरकार का आतंक और अत्याचार दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। आज उन्होंने एक एक्स सर्विसमैन को दिन दहाड़े सबके सामने, बहुत सारे लोगों ने एक अकेले इंसान को, वेटरन को अटैक किया और उन्हें बहुत बुरी तरह से मारा। उनकी गलती यही थी कि उन्होंने सरकार की निंदा की। रिपब्लिक चैनल को महाराष्ट्र में बंद किया जा रहा है क्योंकि वो सरकार के काम करने के तरीकों को क्वेश्चन करते हैं, जो कि आर्टिकल 19 के अंतर्गत संविधान की वायलेशन है। सेल्फ मेड इंसान जो अर्नब गोस्वामी जी ने ये फ्रॉम अ स्क्रैच खुद बिल्ड किया है, उनकी आवाज को, उनके बिजनेस को, उनके काम को पूरी तरह से खत्म करने की साजिश और हिम्मत दिखाई जा रही है। मैं यही चाहती हूं कि सत्ता और राजनीति से परे, यहां पे मानव और साधारण मानवीय के हक के चलते केंद्र सरकार इन चीजों में हस्तक्षेप करे और हमारे संवैधानिक अधिकारों को बचाए। जय हिंद।